दिमाग में दहशत है, वो दहशत तो था नहीं, इसने तो क्लियर कट था एक्सेप्ट फॉर वेरी लिटिल अर्ली टाइम. आई वॉज नेवर अ टेररिस्ट एंड आई एम नॉट. सारी डिबेट में चलती सिंस मर्डर सैंडर्स वाज असैसिनेटेड, सिंस दे हैव थ्रोन हार्मलेस तो बॉम्ब असेंबली में बॉम्ब डालने से तो उनको टेररिस्ट कहा ही नहीं जा सकता. दैट मीन दैट 6 June 1949 स्टेटमेंट इन सेशन कोर्ट. युवाओं और हमारे लिए खास करके भगत सिंह एक विचारधारा हैं, वो एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, एक समतामूलक समाज साम्राज्यवादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को लगा दिया और उसी समाज की स्थापना के लिए आज भी पूरे देश भर के यूनिवर्सिटीज़ में छात्र नौजवान एक समतामूलक समाज की सोच को लेकर के लड़ रहे हैं, लगातार संघर्षरत हैं, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आप देखिए, किसी भी आप देखिए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, पढ़ने के लिए, ना केवल पढ़ने के लिए, एक समाज बदलने के लिए अपनी लड़ाई अभी भी जारी रखे हुए हैं. देखिए भगत सिंह जिस चीज़ को लेके और अपना अपनी पूरे आंदोलन में थे, उसको ऐसे समझना चाहिए कि जो भी अनइवन सोसाइटी है वो तब भी थी और अब भी है. भगत सिंह साफ साफ ये कह रहे हैं कि आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं, जो शोषण है आज़ादी उन चीज़ों से हमें चाहिए. और जब विश्वविद्यालयों में आज़ादी के नारे दिए जाते हैं, जब विश्वविद्यालयों में आज भी जब ये बात कही जाती है कि जाति से मुक्ति चाहिए हमें, शिक्षा का अधिकार चाहिए, बेरोजगारी की जो समस्या है वो लगातार परेशान कर रही है, तो उस वक्त आप देखेंगे कि भगत सिंह के जो सपने हैं वो आज भी युवा उनको जी रहा है, उनको आगे. देखिए मैं एक्टिविस्ट बना तो भगत सिंह को ही सबसे पहले जाना. हम लोग 6 में पढ़ते थे, जब 7 में थे तो भगत सिंह के पे जो प्ले होता था उसको करते थे, लेकिन वो एक प्ले को प्ले के बतौर करते थे. शायद हमारे जो टीचर थे वो समझते रहे होंगे, लेकिन बतौर स्टूडेंट उस समय 6 का स्टूडेंट मैं कुछ समझता नहीं था. बस एक रोल मिलता था, करते थे हम लोग, अच्छा लगता था. जब हम लोग विश्वविद्यालयों में आए तब जब एक विचारधारा के तौर पे भगत सिंह को याद किया गया, तब उनकी संजीदगी, भगत सिंह सिर्फ उनको एक प्रतीकों में युवाओं का मॉडल के रूप में नहीं लिखा जा सकता है. मॉडल तो हैं वो, लेकिन मॉडल सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो युवा के तौर पे थे, उन्होंने हाँसी फक्सा पे छुआ, इसलिए क्योंकि एक विचारधारा थी. और वो विचारधारा उस समय के बाकी भी जो लोग लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ थे उनसे भी कई मायनों में अलग थी. देश तो आज़ाद हुआ, आज़ादी उसके बाद जिन लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ा था उनको भी सत्ता मिली, लेकिन भगत सिंह ने जिस बात को कहा कि हमारे से पहले भी लोगों ने बताया ही है कि भगत सिंह ने सिर्फ इसका मतलब उनके लड़ना नहीं था कि अंग्रेज चले जाएं सिर्फ, जब तक एक व्यक्ति को बराबरी, एक एक व्यक्ति को इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक को बराबरी नहीं होती.